आज हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण का हल। दो चर वाला रैखिक समीकरण का दो चर वाला रैखिक समीकरण को हल करने के लिए टोटल पांच विधि है। कितने विधि हैं? पहला विधि विलोपन विधि। पहला विधि क्या है? दूसरा विधि हमारा ब्रज विधि। दूसरा विधि हमारा ब्रज विधि। तीसरा विधि प्रत्यास्थापन। चौथा विधि तुलनात्मक विधि। और पांचवा जो विधि अभी टेंथ क्लास के अंदर तक हम लोग को पढ़ना है, दो चर वाला रैखिक समीकरण को हल करने के लिए सिर्फ पांच विधि। आगे और भी विधि है, लेकिन हम लोग अभी सिर्फ कितने विधि तक पढ़ेंगे? चलो, पहला विधि हमारा विलोपन विधि है। ध्यान देगा सब कोई, विलोपन विधि से हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण को कैसे हल करेंगे? बात नहीं, विलोपन विधि से हल करने का तरीका बढ़िया से सीखे में रहना। विलोपन विधि, अगर पहला हम समीकरण लिखते हैं एक्स प्लस वाई बराबर तीन, एक्स प्लस वाई बराबर तीन, और अगला समीकरण एक्स माइनस वाई बराबर एक। बात नहीं, ध्यान देगा, कै चर वाला रैखिक समीकरण का हल? दो चर वाला रैखिक समीकरण रहेगा तो उसमें हम लोग को समीकरण भी होना चाहिए कै गो? दो चर वाला रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास सबसे पहले कितने समीकरण होने चाहिए? हल करने के लिए सबसे पहला काम, बात नहीं ध्यान देगा, सबसे पहला काम क्या करना है? दोनों समीकरण को संतुलित करवाना है। पहला काम क्या करना है? संतुलित करना। पहला काम क्या है? संतुलित। हम लोग संतुलित करते हैं या तो x से या तो y से, या तो x से या तो y से। समीकरण को संतुलित करते हैं x से या तो y से, x से या कोई चीज से, या तो हम लोग x से संतुलित करेंगे या तो y से। संतुलित का मतलब बराबर, संतुलित का मतलब बराबर। या तो उसमें दोनों में x बराबर होना चाहिए या तो y बराबर। चलो ये बता दो, क्या ये दोनों समीकरण संतुलित हैं? x से भी संतुलित है और लेकिन अगर हम अगला समीकरण लिखते हैं क्या यह समीकरण संतुलित है? यह समीकरण संतुलित नहीं। इसमें x भी बराबर नहीं है। जब समीकरण संतुलित नहीं रहेगा तो हम लोग को दो चर वाला रैखिक समीकरण को हल करने के लिए पहला काम संतुलित करवाने होगा। और कैसे संतुलित करवाते हैं अब सीखेंगे। अच्छा ये बताओ, हम x को संतुलित करवा सकते हैं या y को भी करवा सकते हैं? अगर हम x को करवाना चाहेंगे, किसको करवाना चाहेंगे? तो देखना है ऊपर वाला में कितना x है, ऊपर वाला में कितना x और नीचे वाला में कितना x है। क्या दोनों बराबर है? दोनों बराबर है। अच्छा, बराबर करवाने के लिए क्या करना होगा? हाँ, ये दो है, ये एक है। अगर दो से गुणा हो जाएगा तो ये हमारा समीकरण बराबर हो जाएगा। समीकरण दो में कितना से गुणा करना होगा? कितना से? और समीकरण दो में जब दो से गुणा करेंगे तो बराबर के बाएं तरफ भी होगा। ध्यान देना, समीकरण दो में अगर गुणा करेंगे दो से तो बराबर के बाएं तरफ भी होगा। हाँ, दो से गुणा करने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देख लो कैसे मान में परिवर्तन नहीं होगा। दो से गुणा करो, दो एक्स प्लस चार वाई बराबर आठ।
क्या ये वाला और ये वाला अलग है? नहीं, हमारा यही वाला समीकरण ये वाला है। ध्यान देगा कैसे, अगर इधर से दो कॉमन करेंगे, इधर से दो कॉमन करेंगे तो इधर x बचेगा, इधर बचेगा 2y बराबर 8। दो इधर गुना में उधर भेज देंगे, x प्लस 2y बराबर 8 बटे 2 से कट जाएगा कितना बार में, x प्लस 2y बराबर, अब बता दो यहाँ पर x प्लस 2y बराबर 4 वही चीज आ गया। इसका मतलब कि जब किसी भी समीकरण में बराबर के बाएं तरफ और दाएं तरफ उसी अंक से गुणा किया जाए, उसी संख्या से गुणा किया जाए तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बात समझ में आया? जब किसी भी समीकरण में बराबर के बाएं तरफ और दाएं तरफ उसी संख्या से गुणा किया जाए, आगे हम लोग भाग वाला भी पढ़ेंगे, तो उसी संख्या से गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आया? चलो देखो अब आगे। यहाँ पर तो हम पहले यहाँ पे देखे समीकरण को संतुलित करवाने के लिए, तो इसमें दो से गुना कर दिए, दो से क्या किए, तो जब दोनों समीकरण को साथ में लिखेंगे तो 2x प्लस y बराबर 6 समीकरण 8 और नीचे वाला समीकरण 2 हो जाएगा 2x प्लस 4y बराबर। हाँ तो ध्यान देगा, हमेशा सबसे पहला काम क्या करना है, समीकरण को संतुलित करवाना है। अच्छा जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या इसमें संतुलित है? संतुलित है। इसमें क्या है? संतुलित है। तो उसमें संतुलित है तो क्या संतुलित करवाने की जरूरत है? इसमें संतुलित करवाने की जरूरत। अब आगे दूसरा काम, दूसरा काम क्या करना है ध्यान देगा, जब x से y को संतुलित करवा लिया, अगर तुम x को संतुलित करवाए, जब x को संतुलित करवाएगा तो x को कटवा देना है, x को संतुलित करवाएंगे तो x को क्या करना है, अगर y को तुम संतुलित करवाओगे तो y को इसको कटवाना है। ध्यान देगा, यहाँ पर तो दोनों संतुलित हैं, यहाँ पर दोनों क्या है, संतुलित है। अच्छा अगर हम चाहते हैं इसमें x को कटवाने के लिए, x को कटवाने के लिए चाहते हैं तो x हमारा ऊपर में भी होना चाहिए जितना x है उतना नीचे में भी होना चाहिए। ऊपर में कितना x है, एक x, नीचे में भी कितना x है, x भी यहाँ पे संतुलित है। y में ऊपर कितना है, एक y, नीचे भी क्या y है, दोनों तो बराबर बराबर है, इसका मतलब समीकरण हमारा पूरी तरह से क्या है, संतुलित है। अब कटवाने की बात आई, हम यहाँ पर x को भी कटवा सकते हैं और y को भी, लेकिन जब x को कटवाएंगे, बात समझना, तो दोनों क्या में है, क्या प्लस प्लस कट जाता है, प्लस प्लस में रहेगा तो नहीं कटेगा, कटने के लिए एक होना चाहिए प्लस में और दूसरा होना चाहिए, एक होना चाहिए प्लस में और दूसरा होना चाहिए। अच्छा ठीक है, जब हम इस समीकरण में पूरा में माइनस से गुना करवा देंगे, माइनस से, तो क्या इसके मान में परिवर्तन हो जाएगा? नहीं, इसके मान में कोई परिवर्तन ठीक है। जब हम x को कटवाना चाहेंगे तो हमको माइनस से गुणा करवाना पड़ेगा, x को कटवाने के लिए क्या करवाना पड़ेगा, माइनस से गुणा, लेकिन y को कटवाने के लिए क्या गुणा करवाना पड़ेगा, नहीं। y को कटवाने के लिए हम लोग को गुणा करवाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, बात समझो, ऊपर y प्लस में और नीचे y माइनस में, तो यहाँ पर कटवाने की जरूरत नहीं है। अब आगे हम चाह रहे हैं पहले यहाँ पर x को कटवाने के लिए, तो जब x को कटवाएंगे ना तो पूरा में माइनस से गुणा करना पड़ेगा, समीकरण दो में कितना से गुणा करना पड़ेगा, तो माइनस से गुणा होता है तो जो प्लस में रहता है वो हो जाता है और जो माइनस में रहता है वो हो जाता है, ये माइनस ये प्लस में, x क्या में है, तो हो जाएगा कुछ में, y कुछ में है, हो जाएगा कुछ में,
एक क्या है प्लस में और जाएगा माइनस में। अब ध्यान देना, ऊपर एक्स प्लस में नीचे एक्स माइनस में क्या होगा? बच जाएगा। ऊपर वाई प्लस में नीचे भी वाई प्लस में। हाँ, एक बात यहाँ पर भी ध्यान देगा, पहले से ही वाई था कुर्सी में, लेकिन जब माइनस से गुना करवा दिए तो हो गया क्या? तो यहाँ पर प्लस प्लस क्या कट जाएगा? यहाँ पर प्लस प्लस हमारा छूट जाएगा, एक और प्लस में वाई, एक और प्लस में वाई, टू वाई। ध्यान देना, तीन ऊपर क्या में है, नीचे क्या में है? तीन ऊपर प्लस में, नीचे माइनस में घट जाएगा, और घट के कितना आएगा? दू वाई बराबर दू। अच्छा, अगर किसी के मन में भी प्रश्न आया होगा कि हम y को भी तो कटवा सकते हैं, तो y को कटवाएंगे ना, तो देखो क्या होगा, ध्यान देना। y को कटवाने के लिए क्या होगा, यहाँ पर ध्यान देगा, क्या y को कटवाने के लिए माइनस से गुना करवाना पड़ेगा? y को कटवाने के लिए माइनस से गुना करवाने की जरूरत y को कटवाने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर प्लस में वाई है, नीचे कौची में वाई से वाई क्या होगा? ऊपर एक्स प्लस में, नीचे भी एक्स प्लस में टू एक्स, ऊपर तीन प्लस में, नीचे प्लस में चार, टू एक्स बराबर यहाँ पे गुना में है, एक्स बराबर चार बटे टू दूनी एक्स बराबर कितना आ गया? अब देख लो, यहाँ तक करने के बाद, कटवाने के बाद जब तुम x को कटवाओगे तो y का मान निकलेगा, x को कटवाएंगे तो किसका मान निकलेगा, और जब y को कटवाएंगे तो किसका मान निकलेगा? जब तुम्हारे पास या तो x का मान निकल जाए या y के मान निकल जाए, तो तीसरा काम क्या करना है, ध्यान देगा, तीसरा काम करना है या तो समीकरण एक से या समीकरण दो से आगे बढ़ना है, समीकरण एक या दो से आगे बढ़ना, या दो से आगे, या तो समीकरण एक या तो समीकरण दो से आगे बढ़ना। ध्यान देंगे, समीकरण जब एक से आगे बढ़ेंगे तो समीकरण एक को लिख देना, बोलो समीकरण एक हमारा क्या है? लिख देंगे समीकरण एक से, किससे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं? समीकरण एक से। समीकरण एक को लिख देना है x प्लस y बराबर b, x प्लस y बराबर b, बोलो यहाँ पर x का मान कितना रख देंगे? x के जगह पे कितना आ जाएगा? y के y रहेगा बराबर, यहाँ से y बराबर निकालेंगे तीन, वाई जो है दो के साथ दो जो है प्लस में है, वाई बराबर कितना गया? तो जो ये समीकरण था हमारा एक्स प्लस वाई बराबर तीन और एक्स माइनस वाई बराबर एक, इसका जो हल आ गया एक्स बराबर कितना और वाई बराबर कितना, यही हमारा इस समीकरण का क्या हुआ, हल हुआ। कौन सा विधि से हुआ पता चला?